दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेरोजगारी की रोना रोते हैं। एक ऐसे युवा उद्यमी की कहानी लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में। समस्तीपुर जिले में है अभी इस वक्त, जो छोटे से जगह में एक चौमिंग का बिजनेस किए हुए हैं, चौमिंग का फैक्ट्री यहाँ पे लगाए हुए हैं, जहाँ पे चौमिंग निर्माण करके ये आस पड़ोस के लोगों को देते हैं। आस पड़ोस में जो भी डिमांड होता है इनका, यहाँ से देते हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं इस बिजनेस के बारे में, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय कुमार हुआ, घाटी दशहरा थाना पटोरी जिला समस्तीपुर बिहार हुआ। अच्छा, कब से इस बिजनेस को आप कर रहे हैं? सर धंधा को मैं करीब 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई डिपेंड नहीं है। थोड़ा सा आप अपना फैक्ट्री विजिट कराइएगा हमारे दर्शकों को। ये इसी समय से 2 वर्षों से इस काम को आप कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो 2 वर्ष पहले शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। और लॉकडाउन के बाद स्थिति थोड़ा सा ज्यादा गंभीर खराब हो गया, इस वजह से फिर हम यूट्यूब पर देखते देखते एक आदमी से इससे परिचय हुआ। अच्छा। जो हमारे वैशाली जिला के राहुल जी हैं, उनसे फिर परिचय हुआ। परिचय होने के बाद बोले कि हम मशीन फर्जा करते हैं, उन्हीं से फिर मशीन उठाया गया और हम अपना धंधा चालू कर लिए। अच्छा, राहुल जी सानवी मशीनरी से। हाँ। अच्छा सर, ये सब में क्या रखे हुए हैं, इसमें क्या है? पैकिंग एकदम भरा हुआ है, माल है जो 400 ग्राम आधा किलो 1 किलो में पैक होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका पैकिंग इसमें करके आप रखे हुए हैं। हाँ, है ना। हाँ। तो इसमें कितने पैकेट आप बनाए करके रखे हैं उसमें, एक बॉक्स जैसे में? कि एक बॉक्स में आधा किलो अगर होता है तो 24 पीस होता है। अच्छा, अच्छा। अगर 1 किलो होता है तो 12 किलो आता है उसमें, जितना पार्टी बोला उस हिसाब से। ये पैकेट जो है, ये पैकेट में कितना है वजन? आधा किलो है। आधा केजी है। अच्छा, तो ये स्ट्रिक्ट एकदम सीधा रखते हैं इसको ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, थोड़ा सा आपका अंदर का देखते हैं सेटअप किस तरीके का है। और दोस्तों देख सकते हैं कि जो लोग बेरोजगारी की रोना रोते हैं, कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, देख सकते हैं कि ये भी एक बेरोजगार थे, लेकिन किस तरीके से इन्होंने अपना जो है इस तरीके का योजना बनाया और खुद का स्वरोजगार अपने घर पे कर रहे हैं आज के समय में। और पहले ये ड्राइवरी करते थे ना सर? ड्राइवरी किया करते थे, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं दिखा और लॉकडाउन के बाद बहुत स्थिति खराब हो गया, जो लोग इधर उधर जाना आना सब बंद हो गया, तो घर पे बैठे बैठे बहुत हो गया, पैसे की तंगी आ गई। फिर हम सोचे कि नहीं कुछ करना चाहिए जी। और कुछ करना चाहिए तो एक हमारा महनार के ही है, फुआ के लड़का है, उनसे बात हुआ जी। तो उनको बोला कि हम राहुल जी से बात करवाए, और राहुल जी बोले कि चलिए उन्हीं के यहाँ से मशीन उठाया गया, फिर हम अपना धंधा चालू। तो ये सब सेटअप आप टोटल जो बैठा है इसमें कितना कॉस्ट आपका लग गया? अंदर आइएगा। ये सब ये जो मशीन आप लगाए हुए हैं, 2 मशीन इधर लगाए हुए हैं। हाँ। और कोई मशीन है क्या इसके अलावा? बस एक छोटा सा मशीन है, वो पैकिंग मशीन होता है। ये पैकेजिंग मशीन है जो हम पैकिंग। अच्छा, इधर वजन कर करके आप इसमें डालते हैं? वजन करके इसमें आधा किलो 1 किलो का भराते हैं, उधर वो पैकिंग मशीन है, छोटा सा पैकिंग मशीन होता है, पैकेजिंग। हाँ, वो पैकेजिंग मशीन है। अच्छा, वो उसी से पैक करके आप फिर उस डब्बे में डालते हैं? हाँ, बॉक्स में डाला जाता है। उसमें काउंट करके डालते हैं कुछ ऐसे? नहीं, एकदम काउंट करके डालते हैं, एक पीस कम ज्यादा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि आगे मार्केट में भी दिखाना पड़ता है। तो जैसे अभी मार्केट को आप किस तरीके से कैप्चर किए हैं? जैसे छोटे स्तर पे होता है कि जो दुकान ठेले वाले होते हैं उस तरीके का आप? नहीं, हम सिर्फ राशन दुकान को देते हैं जो बढ़िया प्रॉफिट देता है, सिर्फ राशन ठेला उला वाला को हम नहीं देते हैं। ठेला वाले को नहीं? नहीं, लोकल माल हम नहीं बेचते हैं। अच्छा, केवल राशन दुकान वाले को? होलसेल में आप ज्यादा सेल करते हैं? होलसेल को ज्यादा कवर करते हैं। तो कैसे ये बनाते हैं, सब सेटअप क्या है, कैसे कैसे इसका थोड़ा समझाइए हमारे दोस्तों। ये हमारा मिक्सर मशीन हुआ जी, जिसमें हम मैदा मारते हैं। अच्छा अच्छा, मैदा मिक्सर हुआ होता है। उसके बाद अगला ये स्टूडर मशीन हुआ जी, जी, जिसमें हाँ जिसमें हम चाउमीन बनाते हैं, जैसे कि इस टाइप के हम चालू किए जी, और इसी टाइप से हम लंबा लंबा माल काट लेते हैं। अच्छा। जितना हमको चाहिए होता है अपना लगने के हिसाब से बस। इसको लंबाई कितना रखते हैं? कोई लंबाई हम करीब 4 फीट, 4.5 फीट रखते हैं। ये कट गया पूरी तरीके से और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये निकल गया अलग अलग, है ना? हाँ, अब यहाँ पर इस पर टांग देंगे। अच्छा, इसको सूखने के लिए? ड्राई के लिए जाएगा। अच्छा, सूखने के लिए रख देंगे। हाँ। अच्छा, तो कितने टाइम इसको सुखाने के लिए आप इसको रखते हैं इस तरीके से? 4 से 6 घंटा। 4 से 6 घंटा। अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस होगा जो हम साइज में कटिंग करेंगे 10 इंची का, 10 इंची कटिंग करके उसके बाद पैकिंग करेंगे जी। पैकिंग होकर फिर मार्केट के लिए तैयार हो जाएगा। एक पैकेट का कितने में बेचते हैं आप? एक पैकेट हम आधा किलो का है वो 25 रुपया में बेचते हैं, अगर 1 किलो का है तो 50 रुपया में बेचते हैं। 1 किलो का 50 रुपया? 50 रुपया। आधा किलो का 25 रुपया? 25 रुपया। 25 रुपया अगर एक पैकेट का, 1 केजी का 50 रुपया हो गया। हाँ। तो 50 रुपये में लागत कितना आएगा? लागत हमारा हो गया 35 रुपया। हाँ, 1 किलो में 35 रुपया लागत हुआ। अभी के हिसाब से मैदा का दाम घटते बढ़ते रहता है,
उस हिसाब से। अभी क्या रेट में मैदा मिल रहा है? अभी हमको 32 रुपया किलो मैदा मिलता है। रॉ मटेरियल में इसमें केवल मैदा लगता है? मैदा लगता है, इसके अलावा और कुछ? और कुछ नहीं, मैदा और पानी। अभी माल कटने के बाद ड्रायर में जाएगा, ड्रायर में सुखाया जाएगा इसको, 4 से 6 घंटा इसको सुखाया जाएगा। बढ़िया तरह सुखने के बाद फिर कटिंग होगा इसका, कटिंग होकर फिर पैकिंग में पैक हो जाएगा। अच्छा, ये छोटा छोटा कट करके इसको फिर पैकेट में पैक करेंगे? कटेगा है, साइज होता है इसका जो 10 इंची पन्नी का साइज जो होता है 10 इंची होता है, उसमें फिर कटिंग हो जाएगा, कटिंग होकर पैकिंग हो जाएगा जी। तो इस बिजनेस को आप जब शुरुआत किए थे कितना पैसा, इसमें कितना लागत लगाए थे? तीन मशीन हमको 1,10,000 का मशीन पड़ा था। अच्छा, बाद उसमें मैदा उदा सब लेके हमको 1.5 लाख रुपया स्टार्टअप करने में लगा जी। देख सकते हैं कि एक छोटे से जगह में ये कितने जगह होगा सर? ये लगभग एक रूम के बराबर में ये पूरा जगह होगा आपका? है 14x14 का है। 14x14 का है। इधर आप क्या करते हैं, इसमें क्या है? इसमें हम माल सुखाते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारा ड्राई रूम है, इसमें जिस तरह से सूख रहा है उसी तरह से इसमें माल हम टांगे दिए, इसमें सूखेगा। हाँ। उसके बाद चार दो पंखा लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ऊपर में दो पंखा लगाए हुए हैं, जिससे ये हीटर भी नीचे दिए हुए हैं सर। नीचे हीटर है, हीटर से ही सूखेगा। अच्छा, 2 से 3 घंटा माल कटने से बाद, स्टूडर से माल निकलने के बाद 2 से 3 घंटा हवा में सूखेगा, उसके बाद हम हीटर लगा देंगे। अच्छा, हीटर से माल 3 घंटा सूखेगा, 3 घंटा के माल हम कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो आज कटिंग किए वो आप नेक्स्ट डे अगले डे देने के लिए तैयार कर देंगे? बिल्कुल तैयार कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस करने में मात्र 24 घंटे का समय लगता है। सानवी मशीनरी के ओनर राहुल जी भी हैं यहाँ पे सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे बारीकी से मशीनों के बारे में, डिटेल जानकारी दीजिएगा। इसमें कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है? इसमें 3 एचपी का लगा हुआ है, क्रम्पटन का मोटर। जी जी, ठीक है। लोकल मोटर भी आता है लेकिन क्रम्पटन का सक्सेसफुल मोटर रहता है इसमें। अच्छा अच्छा, और उस वाले मशीन में? उसमें 2 एचपी का लगा हुआ है, मिक्सर में 2 एचपी का और स्टूडर में 3 एचपी का। अच्छा अच्छा, तो ये बात बताइए, जैसे कि कोई भी अगर कोई युवा उद्यमी अगर कोई आज के समय में इस बिजनेस को करना चाहे तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं उनको बताइए थोड़ा। जरूरी इसमें क्या है, मशीन खरीदना पड़ेगा उनको जी, ठीक है। उसके बाद चेंबर बनाना पड़ेगा जी, यानी कैपेसिटी के हिसाब से, ये नहीं कि छोटा सा बना ले, या उसको अगर 10x10 का रूम का है तो 2 चेंबर बना ले, यानी कंटिन्यू माल निकालने के लिए आपको 2 चेंबर की जरूरत पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि एक दिन में एक चेंबर सूखता है, फिर दूसरे दिन में उसका कटिंग होता है जी। तो कंटिन्यू काम करने के लिए 2 चेंबर की आवश्यकता होती है जी जी। अच्छा, अभी ये जो पैकेट में पैक कर रहे हैं वो पैकेट कहाँ मिलेगा सर? ये पैकेट हम पटना से लाते हैं। हाँ, खुद अपना ब्रांड छपवाते हैं। अच्छा अच्छा, वो पैक पटना से आता है। तो जितना चाहेंगे उतना उस समय मिल जाएगा आपको? हाँ, 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 बिल्कुल, क्या बिल्कुल। उसमें पैक करके, अच्छा, 1 केजी पे क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है थोड़ा बताइए? 1 केजी पर 20 रुपया का बेनिफिट है। 20 रुपए 1 केजी पे 20 रुपया का, 50 रुपए केजी आप बेचते हैं ना? यानी 32 रुपए किलो मैदा मिलता है, 50 रुपए 52 रुपए किलो बेचते हैं। मैदा है, मैदा का रेट जैसे कि आज 1600 रुपया है, 1650 रुपया करीब मैदा का वो रेट है, और आगे जाके फिर अगर बढ़ेगा तो हम रेट बढ़ा देते हैं जी। अगर रेट घट जाता है तो हम घटा देते हैं उसको, ठीक है। हम अपना प्रॉफिट हम 20 से 22 रुपया रखते हैं, 20 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट लेकर के चलते हैं। हाँ। अगर दिन की बात की जाए तो दिन भर में कितने आप मैदा इसमें से काट देते हैं, कितना निकालते हैं? अगर लाइन तो कितना कमा लेते हैं? अगर लाइन हमारा सही रहता है, अगर 8 घंटा 6 घंटा लाइन बराबर रहता है जी जी, तो हम घंटा में 80 से 85 किलो माल काट लेते हैं, यानी पूरे दिन में 4 से 5 क्विंटल माल हम काट लेते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन का मान लीजिए कि अगर 4 क्विंटल भी माल काटते हैं तो 4,000 रुपया का हमारा कमाई हो जाता है। 4,000 रुपये का कमाई दिन का हो जाता है? अच्छा, 4 क्विंटल अगर माल काट लेते हैं तो। अच्छा, ये बताइए, ड्राइवरी करते थे उस समय कितना कमाते थे? ड्राइवरी करते थे उस समय पैसा लोग नहीं देता था, गाड़ी आज चला लिए कल चला लिए, उसके बाद पैसा उससे मांगने जाते थे तो कल आइए परसों आइए, इस टाइप से हमको टरका दिया जाता था जी। क्योंकि समय से पैसा नहीं मिलता था, इससे ज्यादा हम तंगी हो गए थे। आज के समय में रोज का 4,000 रुपये आप इसे इजली आसानी से कमा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में हमको कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ता है और हम बिल्कुल अपना सेफ पैसा कमा रहे हैं। अभी क्या बिजली बिल आपका आ रहा है? बिजली बिल हमारा 3,350 के लगभग में आ जाता है। 3,350 कॉमर्शियल बिजली लेने की जरूरत है? कॉमर्शियल बिजली की। कई सारे आपके बहुत सारे वेस्टेज पड़े हुए हैं तो इसको क्या करते हैं आप? सर वेस्टेज नहीं है हमारा, वेस्टेज के मामले में एक कम फिर पानी में डाल देते हैं। अच्छा, इसको पानी में डाल देंगे? इसको पानी में डाल देंगे, 1 घंटा इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अच्छा। फिर हमारा हम यूज में ले लेते हैं इसको। अच्छा, पानी में डालने के बाद कैसे 1 घंटा के बाद इसको यूज में लेते हैं? इसको मान लीजिए पानी में डल गया, इसको घोल देते हैं, देखिए पूरा हो गया,
मैदा की तरह हो गया है। अच्छा, मैदा जब हम मिक्स करेंगे फिर तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम फिर यूज ले लेते हैं। अच्छा, ये वेस्टेज भी काम का चीज है? और वेस्टेज इसमें 100 ग्राम वेस्टेज नहीं जाता। शुरू में थोड़ा सा परेशानी हुआ था, 4-10 दिन माने माल नहीं कट पाता था, सही से नया थे और यूट्यूब पर देख देख के फिर माल काटना सीखे। अब कोई परेशानी हमको नहीं। मार्केट में हम थोड़ा थोड़ा पहले जाके जो दुकानदार को दिखाए, दुकानदार को पसंद पड़ा, वो बोले कि हमको 1 पेटी दीजिए, हम आगे सेल करके देखेंगे, अगर सेल होगा तो हम आपसे बढ़िया माल ले लेंगे। अगला को हम 1 पेटी दिए, फिर अगला दिन हमको 10 पेटी का ऑर्डर दिया, हम 10 पेटी दिए। आज वो दुकानदार हमसे 50-50 पेटी माल लेता है, 50-50 पेटी अभी डिमांड हो रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पेटी भी कई तरीके का जो है, ये 1 केजी का, आधा केजी का पैक करके यहाँ पे रखे हुए हैं। और कितना पेटी अभी तैयार कर लिए हैं सर? अभी हमारे पास 100 पेटी अवेलेबल है। 100 पेटी अवेलेबल है। और ये कब मार्केट में आप बेचेंगे? ये सुबह जाएगा, सुबह मार्केट में भेज देंगे। गाड़ी अभी नहीं आया है, गाड़ी अभी आ जाएगा तो सुबह माले भेज देंगे।